सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, सर जो तेरा चकराए। नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे वीकली पॉडकास्ट सर जो तेरा चकराए में। आज हम चर्चा करेंगे म्यूचुअल फंड्स में हुए उतार चढ़ाव के बारे में। शारिब ने म्यूचुअल फंड के बारे में सुना है लेकिन इसमें निवेश नहीं किया। मन में कई तरह की उलझने हैं। हमेशा से उनके मन में डर बैठा हुआ था कि कहीं पैसे डूब गए तो। इंटरनेट पर म्यूचुअल फंड के रिस्क फैक्टर को समझने गए तो कुछ आर्टिकल्स पढ़कर और डर गए। शारिब ने एक आर्टिकल में पढ़ा, सेबी ने स्मॉल और मिड कैप फंड्स को स्ट्रेस टेस्ट करवाने के लिए कहा है, जिससे ये पता चले कि भारी रिडेम्पशन होने की स्थिति में ये फंड्स निवेशकों को कितने दिन में पैसा लौटा पाएंगे। मिड और स्मॉल कैप शेयरों में आई जबरदस्त गिरावट की वजह इसी स्ट्रेस टेस्ट को समझा जा रहा है। शारिब ने तुरंत अपने दोस्त और स्टॉक मार्केट के एक्सपर्ट देव को फोन मिलाकर पूछा कि बाजार में गिरावट है, ऊपर से सेबी ने स्ट्रेस टेस्ट का फैसला लिया, तो क्या ये सही समय है निवेश करने का? देव ने शारिब को कहा कि इसमें घबराने वाली बात नहीं है। हाँ, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्टेड टू मार्केट रिस्क्स, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मौजूदा बाजार के उतार चढ़ाव से डरने की जरूरत नहीं है। रही बात स्ट्रेस टेस्ट की, तो सेबी को लगा कि स्मॉल और मिड कैप सेगमेंट में वैल्यूएशन काफी हाई है, ऐसे में अगर बड़ी गिरावट आई तो निवेशक म्यूचुअल फंड्स में पैसे निकालने के लिए टूट पड़ते हैं। अब सेबी ने यह जानना चाहा है कि स्मॉल कैप और मिड कैप फंड ऐसी स्थिति से निपटने में कितने सक्षम है। इसके लिए सेबी ने सभी फंड हाउसेस को स्ट्रेस टेस्ट करने के लिए कहा है। हालांकि ये गिरावट कुछ दिनों के लिए ही है। अगर आप मार्केट में एंट्री करना चाहते हैं तो लंबी अवधि वाले फंड्स में इन्वेस्ट करना एक बेहतर विकल्प होगा। कुछ लॉन्ग टर्म फंड्स ने बीते 5 साल में अच्छा खासा रिटर्न दिया है। मिसाल के तौर पर क्वांट मिड कैप फंड ने बीते 5 सालों में सालाना 31.91% रिटर्न दिया है। एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ने बीते 5 सालों में सालाना 21.1% रिटर्न दिया है। टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ ने बीते 5 सालों में सालाना 26.83% रिटर्न दिया है। एक निवेशक के लिए ये जरूरी है कि वो सही प्रोडक्ट्स का चुनाव करे। छोटी और लंबी अवधि के निवेश में किसी निवेशक का रिटर्न प्रोफाइल अलग अलग होता है। चूंकि शॉर्ट टर्म का निवेश वोलाटाइल रहने की आशंका होती है, वहीं लॉन्ग टर्म निवेश कम वोलाटाइल होने के साथ साथ ज्यादा लाभदायक होने की क्षमता रखते हैं। वीकली पॉडकास्ट सर जो तेरा चकराए में बस इतना ही। बाकी बिजनेस, पर्सनल फाइनेंस और कॉरपोरेट जगत से जुड़ी और खबरों के लिए सुनते रहिए रेडियो मनी 9 और डाउनलोड कीजिए हमारे सुपर ऐप मनी 9 ऐप को। मैं हूं आपके साथ चारू अग्रवाल, अभी दीजिए मुझे इजाजत। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, सर जो तेरा चकराए।